हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन। आज मैं आटे के लड्डू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। गेहूं के आटे के बनाए हुए लड्डू स्वादिष्ट तो होते ही हैं, लेकिन बहुत ही पौष्टिक भी होता है। तो चलिए आटे के लड्डू कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है आधा केजी गेहूं का आटा। आधा केजी बुरादा, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। 250 ग्राम घी, 10 से 15 बादाम, 10 से 15 काजू, 10 से 12 खजूर और किशमिश, खजूर यानी कि छुहारे। अब सबसे पहले एक कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें घी डालें। घी गर्म हो जाए तो आटा डालें और ध्यान रहे कि आटा भूनते समय मोटे तले का बर्तन ही यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आटा तले से चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से भून जाएगा। मीडियम फ्लेम पे आटे को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें, लगातार चलाते हुए। जैसे कि पता ही होगा कि दिवालियों में तरह तरह के मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, तो उन मिठाइयों में आटे की मिठाई भी आप बना सकते हैं। ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ही पौष्टिक भी है। तो यहाँ पे देखिए आटे का कलर चेंज हो चुका है, इसका मतलब कि आटा भुन गया है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स कटे हुए मिला देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, आप अपनी मनपसंद। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद 2 मिनट तक इसे भुनेंगे। गैस का फ्लेम लो कर दें, गैस ऑफ कर दें और 2 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दें। 2 मिनट बाद बुरादा मिला देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो देखिए यहाँ पे बुरादा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे और आप आटे को छू करके देखें, जितना आप सह सके तब लड्डू बनाएं। अगर ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा उसे ठंडा होने दें और लड्डू बनाना शुरू करें। इस तरह से आप अपने मनपसंद आकार दे सकते हैं, छोटा या बड़ा। अगर छोटा लड्डू बनाना है तो एक ही हाथ से बनाएं। इस तरह से हाथ पे रख के गोल गोल हल्का दबाते हुए गोल शेप दें। तो देखिए लड्डू बन करके तैयार है। इसी तरह से हम सारे लड्डू को बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आटे के लड्डू बन करके तैयार है। और अगर आपके लड्डू अच्छे से नहीं बन पाते हैं तो आप थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं इसमें, तब उसके बाद लड्डू बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आटा थोड़ा गीला हो जाएगा और लड्डू आसानी से बन पाएगा। आप इसे बना कर रख लें एक डब्बे में और 1 महीने तक खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस दिवाली इस लड्डू को ज़रूर बनाएंगे। तो आप इस लड्डू को बनाइए और आपकी रेसिपी कैसी बनी है ये मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।